बुरहानपुर जिले में आरटीओ विभाग ने शहर से 20 किलोमीटर दूर दूरस्थ इलाके में सुनसान जगह पर खड़े होकर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आरटीओ राकेश सिंह भूरिया ने अनफिट बसों पर कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान आरटीओ राजेश सिंह भूरिया की मौजूदगी में बाहरी व्यक्ति द्वारा चालान बुक से चालान काटे जा रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध है। ये चालान सक्षम अधिकारी द्वारा ही चालान काटे जाते हैं, किंतु स्वयं आरटीओ की मौजूदगी में एक बाहरी व्यक्ति चालान बुक से चालान की रसीदें काट रहा था और अधिकारी मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। खरगोन की घटना के बाद हरकत में आरटीओ विभाग आया। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम झीरी में बसों को रोककर बसों पर कार्यवाही की। विभाग को उदासीनता के चलते बस ऑपरेटर मनमानी करते हैं। ये कार्यवाही भी एक औपचारिकता वाली कार्यवाही साबित हुई। ये कार्रवाई हो रही है आज यहाँ पर, ये झीरी में अपन देख रहे हैं इंदौर इच्छापुर रोड पर। तो ये क्या खरगोन हादसे से सबक लेने के बाद में ये चालू हुई है कार्रवाई, या डेली रूटीन चेकअप है, क्या है? चेकिंग तो पहले चलते रहती थी, लेकिन खरगोन वाले हादसे के बाद से और उसमें जरूरत आई है जी। सभी जिलों में तेजी से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गाड़ियों में ओवरलोडिंग और इमरजेंसी गेट वगैरह सही से होना, फिटनेस सही से होना, ये चेक किया जा रहा है। तो आज सर अपन ने किसी गाड़ी का चालान अभी बनाया हो बस का? अभी तक 3 से 4 बसेस का चालान बनाया है, लगभग 15-20 हज़ार के आसपास का चालान आज बना है। तो ये कार्रवाई ऐसी सतत जारी रहेगी या कंटिन्यू रखेंगे? कार्रवाई कंटिन्यू। सर आपका नाम? राकेश भूरिया।